नमस्कार। फूल और सब्जियां हम उगाते रहते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी सब्जी दिखाती हूँ जो फूल की तरह दिखती है और उसे उगाने का तरीका भी पूरे वीडियो में शेयर करेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। जिस खूबसूरत सब्जी की बात मैं कर रही हूँ वो है ऑर्नामेंटल चिली। नाम ही जिसका ऑर्नामेंटल है, और चिली मतलब खूबसूरत मिर्ची। ये मिर्ची छोटी छोटी सी होती है, बहुत रंगीन होती है, लाल, पीली, बैंगनी, सफेद, हरी, सब कलर्स में मिलती है। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका कि एक ही मिर्ची रंग बदलती रहती है। जब वो छोटी होती है तो उसका कुछ और रंग होता है, जब वो थोड़ी मैच्योर होती है तो कुछ और होता है, और बाद में उसका रंग कुछ और हो जाता है। क्रिसमस के मौके पर इस पे रिबन बांधकर गिफ्ट किया जाता है, इसीलिए इसे क्रिसमस पेपर भी कहते हैं। ये मिर्ची दिखने में छोटी है लेकिन है बहुत तीखी। जितनी छोटी मिर्ची होती है उतनी तीखी मिर्ची होती है। तो इनको अगर हाथ लगा लिया और उसके बाद आपने आँख पर हाथ लगा लिया तो बस समझ दीजिए क्या होने वाला है। ये जो मिर्ची का पेड़ है इसमें छोटी छोटी लाल मिर्ची उगती है, गोल गोल। जब ये बिल्कुल शुरुआत होती है इसकी तो ये ग्रीन कलर की होती है। समय के साथ धीरे धीरे ये लाइट पर्पलिश हो जाती है और फाइनली ये रेड कलर की हो जाती है। ब्राइट ब्लड रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत मिर्ची लगती है ये। और जब धीरे धीरे ये सूख जाती है तो इस तरीके से इसका बीज बनता है। और ये है बीज अभी मेरे पास जो हम उगाने वाले हैं। इस बीज में आप तोड़ कर देखिए, ये आराम से छोटे छोटे बीज दिखाई देते हैं। जैसे हम दूसरे बीज उगाते हैं, इन बीजों को उगाने का भी वही तरीका है। ऐसे बीजों के लिए कोकोपीट हमेशा अच्छा होता है एज अ मीडियम। ये मेरे पास ट्रे हमेशा तैयार रहती है जिसमें नीचे छेद है, ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर मैंने एक ग्रीन नेट लगा रखी है और कोकोपीट में कंपोस्ट मिला करके ये मैंने कंटेनर तैयार कर रखा है। तो जो भी कटिंग्स होती हैं या सीड्स उगाने होते हैं वो सब मैं इसमें उगा देती हूँ। तो इसी में ही चलिए ये भी उगा लेते हैं। बस लाइटली स्प्रिंकल कीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा ऊपर इनको कवर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कोकोपीट या मिट्टी से कवर नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बीज अगर नीचे चला जाता है तो उसे स्प्राउट होने में वक्त लगता है और फिर वो स्प्राउट कभी भी नहीं हो पाता, इसीलिए उतना ही नीचे डालना है जितना बीज की थिकनेस है। हाथ से हल्का हल्का सा इसमें पानी देते हुए किसी भी छाया वाली जगह पर रख दीजिए। इसमें क्योंकि मेरे पास दूसरे भी सीडलिंग्स लगे हैं इसीलिए मैं इसे कवर नहीं कर सकती। अदरवाइज मेरे कुछ पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया है किस तरीके से बीज लगाने के बाद, वाटरिंग के बाद, आप इसको प्लास्टिक से कवर कर लीजिए और प्लास्टिक में थोड़े से छेद कर लीजिए और इसको किसी भी छाया वाली जगह पर रख दीजिए। छेद हम इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी हवा का आना जाना बरकरार रहे। और प्लास्टिक की शीट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाए, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और वार्म्थ मेंटेन रहे, जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब बीज में से थोड़ी सी आपको हरी पत्ती दिखाई देगी उस वक्त प्लास्टिक की शीट हटा दीजिए और इसे वहीं छाया वाली जगह पर पड़े रहने दीजिए। और जब ये पौधा 4 से 5 इंच का हो जाएगा तब हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करके फिर से इसे छाया वाली जगह पर रखेंगे थोड़े दिन। ये फुल धूप का पौधा है, हल्की धूप भी ये टॉलरेट कर लेता है, इसीलिए ग्रेजुअली इसको सन की तरफ एक्सपोज कर दे जाएंगे। जब मैं इन्हें ट्रांसप्लांट करूंगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी जरूर। उसके बाद मिल करके ये चिली को बढ़ाएंगे। इस मिर्ची के सीड को पक के आपको फल देने में कम से कम 60 दिन लगेंगे। 15 से 20 दिन लगेंगे आपको इसको छोटी छोटी सैपलिंग तैयार होने में। उसके बाद हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे किसी बड़े पॉट में। पिछली बार मैंने आपके साथ कुछ फूलों के बीज लगाए थे, आज उनका थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। अभी भी ये ट्रांसप्लांट होने के लिए तैयार नहीं है, बहुत छोटे हैं। अभी मैं 10 दिन और रुकूंगी। जब तक इन पौधों की ट्रू लीव्स नहीं निकलती हैं तब तक हमें इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करना है। कम से कम ये पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए, इसकी ट्रू लीव्स निकल जाए। मतलब ट्रू लीव्स मतलब उस पत्ती को देख के हम पहचान पाते हैं कि ये किस चीज का पौधा है। जैसे अभी देखिए किसी में भी ऐसा कोई ट्रू लीव नहीं आई है, लेकिन ये मैरीगोल्ड में, गेंदे में छोटी सी पत्ती ऐसी दिखाई दे रही है जो इसकी पहचान है कि ये गेंदे का पौधा है। जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे जैसे मैं करूंगी, वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। बने रहिएगा अमलान बाग के साथ। और इतनी खूबसूरत मिर्ची है तो इसको लाइक तो करना ही चाहिए, शेयर भी खूब करना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि कैसे सब्जी के साथ खूबसूरती भी मिलती है। और सब्सक्राइब कर लीजिए अमलान बाग को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें, इसी तरीके से बातचीत करते रहें। नमस्कार।